हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पे और कई बार क्वेश्चन पेपर में आया भी है नाइन्थ में। शो दैट दिस मच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट समथिंग। ठीक है, देखो करना कैसे है। सबसे पहले आप ये मान लो कि जो एक्स है वो बराबर है 0.142857। अब देखो यहाँ से वापस रिपीट हो रहा है तो ये इसके बराबर है। ठीक है, और फिर इसके ऊपर बार लग गया। अब कितने डिजिट हैं बेटा, ये डैश 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 लगा देना, 1 2 3 4 5 6। तो अगले स्टेप में इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है 10 to the power 6 से, और यहाँ पे आ गया 0.142857। जितने डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं उतने से मल्टीप्लाई करना है, into 10 to the power 6 दोनों साइड कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया 10 to the power 6, मतलब 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर जब मैं 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो पूरा रो जो रिपीट हो रहा था डेसिमल के बाहर आ जाएगा, 1 4 2 8 5 7 डॉट। अब सुन लो, यहाँ तो ये सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो अब क्योंकि बार बार रिपीट हो रही है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रही है, तो अगर मैं एक बार एक सेट को बाहर निकाल भी लेता हूँ तभी बाकी सेट पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, है ना। समुद्र से अगर एक लोटा पानी निकाल दो तो समुद्र तो समुद्र ही रहेगा, तालाब थोड़ी बन जाएगा। तो यहाँ पर वन वही चीज़, 1 4 2 8 5 7 डैश 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 चल रहा है। अब इसको इससे माइनस कर दो, यहाँ लिखो एक्स और ये हो गया 0.142857 डैश डैश डैश। मेन मकसद क्या है मेरा, मेरे को ये जो रेकरिंग पार्ट है ना, रिपीटिंग पार्ट, इसको हटाना है। तो अब यहाँ पे आ गया, माइनस कर दीजिए आप, ये आपने माइनस किया, यहाँ पे आएगा कुछ नहीं है तो वन मानेंगे, तो ये एक्स तो आया। अब ये कितने 7 डिजिट हैं, तो 6 9 बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 1 4 2 8 5 7। ठीक है, और ये पूरा जब ये माइनस करेंगे तो ये पूरा टर्म कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा बेटा आपका आंसर, आपका आंसर हो गया 1 4 2 8 5 7 डिवाइड बाई 9 9 9 9 9 9। अब आपको ये दिखाना है कि ये 1/7 है। ठीक है, तो ये जो 1 4 2 8 5 7 है, 1 4 2 8 5 7, इसको आप मल्टीप्लाई करो ज़रा 7 से, देखो कितना आता है। 7 7 ज़ा 49, 9 का कैरी 4, 7 5 ज़ा 35, 35 + 4 39 का कैरी 3, 7 8 ज़ा 56, 9 का कैरी 5, 7 2 ज़ा 14, 14 + 5 9 का कैरी 1, 7 4 ज़ा 28, 28 + 1 29 का कैरी 2, 7 1 ज़ा 7 और +2 9 तो उतना आएगा। तो ये 1 ज़ा हो गया और ये 7 ज़ा हो गया, आ गया आपका आंसर इज इक्वल टू 1/7। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।